एक्चुअली मेरी वाइफ को आज से 6-7 महीने गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हुई थी। उसके बाद हमने एंडोस्कोपी भी कराई, उसमें एक्चुअली हर्निया निकला। फिर हम सर के पास आए और आज सर्जरी को 3 दिन हो चुके हैं और मेरी वाइफ अभी ठीक है। हेलो, मेरा नाम इसरार है, मैं जम्मू कश्मीर से आया हूँ। एक्चुअली मेरी वाइफ को आज से 6-7 महीने गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हुई थी। उसके बाद हमने एंडोस्कोपी भी कराई, उसमें हाइटस हर्निया निकला। फिर हमने यूट्यूब की हेल्प से सर को डॉक्टर जसमीत सर को अप्रोच किया। फिर हम सर के पास आए, उसके बाद हमने इन्वेस्टिगेशन कराई। सर ने हमें फिर से एंडोस्कोपी की सजेशन दी। फिर हमने एंडोस्कोपी करवाई, उसमें हाइटस हर्निया ग्रेड 4 आया। फिर सर ने हमें उसके बारे में पूरा ब्रीफली बताया कि इसकी सर्जरी किस तरीके की, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है विदाउट विदाउट एनी ब्लड लॉस। फिर उसकी सेफ मेथड था, फिर इसलिए हमने कैरी किया आगे हमने सर्जरी के लिए। आज सर्जरी को 2-3 दिन हो चुके हैं और मेरी वाइफ अभी ठीक है। बिफोर सर्जरी मेरी वाइफ को एसिड रिफ्लक्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। वो रात को सो भी नहीं पाती थी अच्छे से। अचानक कभी रात को उसकी नींद खुल जाए तो उसको रिफ्लक्स जो है वो नोज से बाहर आ जाता था या माउथ से भी बाहर आ जाता था। लेकिन ड्यूरिंग सर्जरी उसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आई। पोस्ट सर्जरी उसको अभी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आई। अभी लिक्विड डाइट पे है। यहाँ का स्टाफ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। जब भी हमें कभी हेल्प की ज़रूरत पड़ी, हम स्टाफ हमारे पास आया। आफ्टर सर्जरी मेरी वाइफ को कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आई। लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंटल सर्जरी है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। जो इंटरनल आपको स्टिचेस वगैरह आते हैं, बाहर कोई स्टिचेस नहीं होते, जो जिसमें इंसान इजीली रिकवर जल्दी हो जाता है। लेकिन मैं सबको ये सजेस्ट करूँगा, किसी को भी अगर हाइटस यानी गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, वो एक बार डॉक्टर जसमीत सर से संपर्क करें और इनकी बेस्ट सर्विसेज का फ़ायदा उठाएं। थैंक यू सो मच।